सचार जी, क्या हाथों की रेखाओं के द्वारा कुंडली की जानकारी की जा सकती है? हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। यहाँ जिस जातक को अपना जन्म की तारीख या महीना पता नहीं है, तो यदि वह चाहे कि हमारी कुंडली में क्या है, भाग्य में क्या है, तो अपने हस्तरेखा के द्वारा, हस्तरेखा में हाथ में ही कुंडली बना रहता है। यदि हस्त के रेखा को अच्छी तरह से देखा जाए, जैसे भाग्य रेखा कहाँ है, आपके शरीर के बनावट से आपके लग्न को दर्शाया जा सकता है, और वर्तमान स्थिति को देखते हुए जैसे कि आपका लग्न आपके शरीर से बताया जाएगा, भाग्य रेखा से नवम स्थान पता लगेगा, और आपके पुत्र रेखा से पंचम स्थान का पता लगेगा, और आपके हाथ में जो रेखा है वह शनि रेखा या सूर्य रेखा, गुरु रेखा, किस प्रकार से हाथ में आपका छपा हुआ है, उस हिसाब से यदि हाथ को देख करके कुंडली बनाया जाए, तो आपको पता भी नहीं है कि मेरा जन्म किस लग्न में हुआ है, किस तारीख में हुआ है, तो आपका हस्तरेखा से यह ज्ञात करना बहुत बड़ा मुश्किल की बात नहीं है। आप इससे ज्ञात कर सकते हैं, अपना कुंडली तैयार कर सकते हैं। यदि आपका भाग्य रेखा सही है, तो समझिए कि आपके नवम स्थान में उच्च ग्रह बैठे हुए हैं, मूल त्रिकोण में उच्च ग्रह बैठे हुए हैं या स्वराशि के हैं। अब रही बात आपके पुत्र रेखा से पंचम स्थान को हम दर्शा सकते हैं कि पंचम स्थान में आपका कौन ग्रह है, और इस प्रकार से जो बृहस्पति रेखा है वह बृहस्पति रेखा से ही पता चलता है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति किस जगह विराजमान है। राहु और शनि जो कर्म और कर्म के फल देने वाले हैं, न्याय के देवता जो शनि है, वह आपके कुंडली में किस जगह पर विराजमान है, आपके शरीर की भी बनावट देख करके ऐसा कुंडली का अनुमान किया जा सकता है। और यदि आप चाहें कि हमारा किस लग्न में जन्म हुआ है, तो आपके शरीर और हाथ की रेखा से आपका कुंडली तैयार किया जा सकता है।